को अगर हम डिस्कस करें तो लाइम रोड पे सबसे पहले क्या आएगा? लाइव लोड में जो हमारा आएगा, हम कोई वॉल पे लाइव लोड लगाएंगे क्या? तो वॉल पे लाइव लोड नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लाइव लोड जो भी आएगा वो फ्लोर पे ही आएगा। क्या भाई अंकज शुभम आतिश मंजू? हाँ सर, जो मैं कह रहा हूँ गलत है या सही है? मैंने कहा लाइव लोड जो भी होता है वो हमारा कहाँ पे एक्ट करता है? और बीम्स पे आउट भाई वो तो ठीक है, बीम पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम जो लगाएंगे बिल्डिंग में लाइव लोड क्या होता है पहले पता है आपको? हाँ सर, लाइव लोड क्या होता है बताओ। क्या होता है बताओ। नहीं पता, कोई है और जो बता जाएगा लाइव लोड क्या होता है? ऐसा ऐसा लोड होता है जो कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो निकल जाता है बिल्डिंग से। इन लोड जितना भी होगा सर, ट्रांसपोर्टिंग लोड भी होगा, सेल्फ वेट को छोड़ के मूविंग लोड लाइक फर्नीचर, हमारा वेट रहेगा उस पे। एक्चुअली अगर हम कहें, एक मिनट, अगर हम जनरल भाषा में इस चीज को समझने की कोशिश करें तो जो भी हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं घर में अपने यूजेस के लिए, कुछ भी इधर उधर जा रहे हैं, जी जी बिल्कुल, तो वो आपका लाइव लोड में आएगा जी। जैसे किसी ने घर कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है, अभी वो खाली है, कुछ कोई भी उसमें नहीं रहने गया, तो उसपे कोई लाइव लोड लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। अब लाइव लोड तो तब लगेगा जब उसमें इंसान रहने जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके पर्पस पे कि आपकी बिल्डिंग का क्या पर्पस था, यानी कि वो आपका रेसिडेंशियल बना है, या आपका स्कूल बना है, या आपका कॉलेज बना है, या आपका हॉस्पिटल बना है, या आपका कोई थिएटर बना है, कुछ भी हो सकता है, या कमर्शियल बिल्डिंग है आपकी, है कि नहीं? अब लाइव लोड जो हमारा लगेगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा उसपे, बिल्डिंग यूज के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग यूज के अकॉर्डिंग। अब कंसीडर करते हैं कि हमारा वो स्कूल बनाया हमने, चलिए अब स्कूल की एक क्लास में कितने बच्चे आप बैठा सकते हो? 50, 60 मान लेते हैं, मैक्सिमम। अब मान लो कि लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई टीचर अब्सेंट है तो एक टीचर को दो क्लास असाइन हो जाती है, तो वो दोनों को कंबाइन कर लेते, डबल कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं 100 बच्चे, राइट? अब 100 बच्चों का एक एवरेज वेट कितना होगा? 30-35 kg। अरे सर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। मान लो कि 12th तक का स्कूल है तो भाई 12th तक के बच्चों का वेट हमें करना ही पड़ेगा। हाँ। तो एवरेज अगर वेट निकाले तो 45-50 के आसपास हो जाता है। हाँ, 50 के आसपास आता है। तो 50 कंसीडर करके उसका मल्टीप्लाई करो तो पूरी क्लास का मतलब वेट आ जाएगा आपके पास, इंक्लूडिंग टीचर्स जी। और फिर उसमें 2-4 किलो और इंक्लूड कर दो जिससे टेबल डेस्क और इनका भी वेट आ जाए। हाँ जी, तो 55 kg कर लें या 60 कर लेते हैं, चलिए मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो 60 × अगर 100 करोगे तो आपका कितना हो गया? 60,000 kg। 6,000 हो गया। अब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो कितना जाएगा? 6 kN। नहीं सर, 6 क्यों होगा, पहले तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको।
600 न्यूटन होगा सर? नहीं आपका 60,000 होगा न्यूटन यार, 6×10^3। हाँ तो अब इसको अगर हम करेंगे 1000 से डिवाइड किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना आएगा? 6 आएगा सर, ओनली 60,000 को करेंगे, 6,000 केजी था ना, तो 6,000 को 60,000 न्यूटन बन गया वो, 60,000 तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे हम, तो 60 नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा था। ठीक है 60 लगा ले हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर वो 60 केजी आपका 1 मीटर स्क्वायर में आएगा, समझे सर? तो 1 मीटर क्यूब में आप किसी भी कंडीशन में 60 केजी यानी कि 60,000 किलो तो आप बिल्कुल रख ही नहीं सकते हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी मशीनरी क्यों ना लेके आ जाओ, वो तो बच्चे हैं। Is that possible? नहीं ना, 6,000 तो हम फिर भी रख सकते हैं चलिए, लेकिन 60,000 का भी नहीं रख पाओगे आप, 60,000 केजी बहुत हो जाता है सर। हाँ 1 मीटर बाय 1 मीटर के स्पेस में रखना मुश्किल है। हाँ क्योंकि ये आपके पूरे फ्लोर का आया है। क्यों डियर? 60 जो न्यूटन जो आया है आपके पूरे फ्लोर का आया है, आपको ये पूरे फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है 60 केजी। जी लेकिन हमारा अभी 4x4 का तो वो है ही फ्लोर आपका, फ्लोर है जी। तो आपका 16 हो गया, अब उस 60 को 16 से डिवाइड करिए तभी तो हमारा पर मीटर क्यूब पर मीटर उसका निकल के आएगा, कितना आ गया बताओ? 60 डिवाइडेड बाय 16 करो, 3.75 राइट। तो इसको अराउंड राउंड ऑफ करें तो 4 कर ले तो ये एक, पर आपको मैंने कैलकुलेशन बताई कि किस तरह से हम इसका लोड निकाल सकते हैं यूजेस पे। अगर यही आपका कॉलेज होता तो बढ़ जाता थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे बच्चे क्या होते हैं थोड़े से बड़े एडल्ट आते हैं, वहां पे 60 भी है 70 तक पहुंच जाता है, वेट पड़ जाता है। और अगर इसी चीज को अगर आप हॉस्पिटल में कंसीडर करें तो वहां पे आप इतने तो बिठा ही नहीं सकते इतने एरिया में, एरिया ज्यादा रहता है, लोड कम रहता है, लोड कम रहता है। और अगर आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली वहां पे आपकी मशीनरी का लोड ऐड हो जाता, ठीक है? तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और इस पे लगा देते हैं, क्या इस पे फ्लो लोड ही कंसीडर होगा हमारा? जी। और यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का 4 kN/m² आ रहा है? अब रेंज दे दो, हमारी रेंज कितनी थी? 15 और ये था आपका कितना? 0 से 12 और 0 से 12 और ऐड करा दिया इसको। अब दूसरा इसमें क्या था? 12 से 13 और वन वे डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया इस पे और इसको ऐड करा दे। आ गया सर जी, देखो लग गया। ये देखिए -4 के लिए। क्या सर? -4 के लिए सर, -4 ही तो हमारा निकल के आया था लोड। हाँ माइनस इसलिए लिया है क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है? देखिए पूरा आ गया आपका, तो ये आपका लोड लग गया सर। अब इस पे हमें क्या लगाना है बताओ, क्या बाकी रह गया?
विंड लोड एक मिनट विंड लोड अच्छा ये हमारी बिल्डिंग में देखिए हमसे गड़बड़ हुआ है क्योंकि हमें दोनों तरफ से नहीं आएगा ये हमने जो लगाया है एक तरफ से आएगी है ना हाँ सर वो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि दोनों साइड से क्यों होता है हाँ हाँ ये उस समय ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने ये एक ही साइड से होगा दोनों साइड से नहीं आएगा चलिए कोई नहीं अब जब आप प्रैक्टिस करो तो इस चीज का ध्यान रखना ठीक है हाँ तो अब देखो इसमें हमने डेड लोड भी लगा दिया लाइव लोड भी लगा दिया अब हमारा क्या बचा विंड लोड विंड प्रेशर में क्या होता है आपका जब भी आप विंड प्रेशर कंसीडर करते हैं तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग पे हाइट ऑफ बिल्डिंग पे करता है चलिए मान लेते हैं दूसरा स्पीड एरिया पे भी होता है तो पूरा की जो है कौन से एरिया की विंड स्पीड पे भी विंड स्पीड तो आएगी ही लेकिन विंड स्पीड का ही तो सब कुछ वो है विंड स्पीड ही तो डिपेंड करेगी कि वो कितना लोड ले रही है और बिल्डिंग एरिया पे भी डिपेंड करेगा वो तो सर हो गई वो तो एरिया रहेगा ही रहेगा लेकिन एक चीज और होती है जो आपकी विंड प्रेशर जो विंड स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है मेन जो आपकी विंड स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी विंड स्पीड सर रीजन पे डिपेंड करेगी कि किस रीजन पे वाले मिले वेरी गुड सर तो ये आपका एनवायरनमेंट फैक्टर हुआ जी ये बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आप देखें आपका विंड लोड हुआ या आपका सीस्मिक लोड हुआ ये आपके रीजन पे डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कौन सी लोकेशन पे आप अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ठीक है तो ये वहां का जो मौसम विभाग होगा वो आपको इसकी एग्जैक्ट वो दे सकता है डेटा ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे अभी तक मैक्सिमम जो आपका तूफान आया है या विंड स्पीड है वो कितनी थी एम आई राइट तो आप क्या करेंगे उसको पहले डिफाइन करेंगे कि आपकी कौन सी लोकेशन के लिए आपने इसको डिसाइड किया है तो आप यहां से जाएंगे डेफिनेशन में ऊपर ठीक है सबसे पहले मतलब आपको लोड केस लेने से पहले अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लगाते हो जैसे कि आपने लोड केस लिया यहाँ से एड पे गए अब यहाँ से आप कौन सा लोड चूज करोगे विंड यहाँ पे नाम भी दे देते हैं इसका चलिए अभी विंड और ओके कर देते हैं तो ये आपका फोल्डर तो आ गया लेकिन जब इसके अंदर आप विंड लोड लगाने जाओगे तो देखिए ये आपका कंसीडर नहीं करेगा ये क्या कह रहा है विंड डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू असाइन अ विंड लोड जी तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा डेफिनेशन में और डेफिनेशन में आपको कौन सा लोड चूज करना पड़ेगा विंड विंड और इसको wind कराना definition. पड़ेगा एड तो वन ओके ये हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और ऐड करा देते हैं अब देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल खुल के आ रही है ये टेबल कैसे आई पता है आपको जो हमने विंड पे ऐड कराया तो उससे हमने ये इसको ऐड करा दिया अब इसको सिलेक्ट करके फिर से ऐड पे क्लिक करना है तो ये विंडो खुल के आएगी अब या तो आपके पास देखो ये टेबल दिख रही है आपको ये टेबल में क्या है इंटेंसिटी वर्सेस Height. तो यहाँ पे आप अपनी इंटेंसिटी इंसर्ट करते जाओ और यहाँ पे आप बिल्डिंग की हाइट जीरो से स्टार्ट होगी और आपकी कहाँ तक जाएगी 15 तक क्योंकि आपकी 15 मीटर की हाइट है लेकिन आपको तो ये डेटा नहीं पता होगा तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्टैट प्रो इसको खुद से डाले इसमें तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे ठीक है आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुल के आएगी ये आपका देखिए कोड यूज हो रहा है
ठीक है। और ये आपकी बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी है, ये आपकी कौन सी कंडीशन में आ रही है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये आपकी बिल्डिंग हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या कैटेगरी वन में क्या क्या आता है? कैटेगरी वन में आपकी सर्टेन हाइट तक रहता है कि अगर आपकी इतनी हाइट है बिल्डिंग की तो कैटेगरी वन में, और उससे ऊपर है तो, और उससे ऊपर है तो आप नेट पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हाँ, या फिर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं अभी, दिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो occupancy risk category in the MI tech engineering typically one hand two family building will be classified as the category 1 category 2 ठीक है, sorry category 2 as per the importance factor increases resulting wind and snow load are increased। बात आई समझ? तो उसी पर डिपेंड कर रहा है हमारा आपकी उसके एरिया पे और उसकी हाइट पे। एक्चुअली ये क्या है, एक तरह से रिस्क फैक्टर है आपका, ठीक है। आया समझ के नहीं आया सर, बताओ फिर मैं और आज उसको बताऊं कुछ। ये रिस्क फैक्टर ही है, लेकिन अपन चाह रहे थे कि कैटेगरी वन में किसको रखा, कैटेगरी टू में किसको रखा। वो तो सर आपको फिर कोर्ट को पढ़नी पड़ेगी। वो तो फिर आपको कोड बुक में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सिविल कोड में मिल जाएगा। कौन सा कोड पढ़ना पड़ेगा सर? जो आपका NBC होता है, नेशनल बिल्डिंग डिजाइन कोड। बिल्डिंग कोड, अच्छा। उसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है, इवन ये भी उसमें मेंशन रहता है कि आपको अगर एक रूम बनाना है तो उसका कार्पेट एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टॉयलेट भी अगर उसमें दे रहे हो तो टॉयलेट का कार्पेट एरिया कितना होना चाहिए। आजकल तो सर उसमें भी डाला है ना, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जो डिजाइन करते हैं बिल्डिंग, उसमें भी डाला हुआ। कौन से में सर? वो ऑनलाइन जो आजकल डिजाइनिंग चल रही है बिल्डिंग की, सभी जगह ऑलमोस्ट कर दिया तो उन्होंने ऑलरेडी फीड कर रखा। अगर छोटा एरिया होता है तो वो तुरंत कह देता है कि ना सब एरिया कम है। अच्छा, ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर है? हाँ सर। अच्छा। तो वो NBC नहीं, वो एक्चुअली में यहाँ जो म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में जो चल रहा है ना बिल्डिंग का आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ MP में तो है, महाराष्ट्र भी है सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो UP में तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। चलिए, तो एक्चुअली वो ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। जब भी आप उसमें नहीं है सर, लेकिन उन्होंने डाला है कि भाई मिनिमम इतना होने हैबिटेबल रूम है, अगर मान लीजिए तो उसका एरिया इतना होना चाहिए, किचन का एरिया इतना होना चाहिए, उसकी ओपनिंग इतनी होनी चाहिए, ये सब डाला। मतलब जैसे कि आपका उसमें अपलोड करते होंगे अपनी ड्राइंग को तो वो वहाँ पे रीड करता होगा। हाँ, वो प्री चेक करता है। जैसे हमारा डोर विंडो का फिक्स होता है ना साइज, उसी तरह इन्होंने रूम का भी साइज फिक्स कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विंडो के साइज है मिनिमम कितने हैं? अच्छा, ये चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर देखिए, अब यहाँ पे देखो आपका आता है क्या, विंड स्पीड। अब इसमें देखो आपके पास में हर एक यूनिट क्या होता है, KMPH है, मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड, MM पर सेकंड, इंच पर सेकंड। तो आपको किस में फेमिलियर हो? KMPH में आप फेमिलियर हो, राइट। तो अगर सपोज वहां पे जो अभी आपका जो कोलकाता में आया था कुछ महीने पहले,
तो उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी थी पता है आपको किसी को? 90 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, लेकिन उसकी बढ़ते बढ़ते वो 120 तक पहुंच गया था। तो हम वही मैक्सिमम ले ले, 120 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर आपका स्ट्रक्चर टाइप देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ना तो हमारी चिमनी है, ना अभी कोई हमारा ओपन साइन है, ना लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, ना ट्रस्टेड टावर है, बिल्डिंग है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन डेटा तुमने फिल कर दिया, अब हमारे पास आता है क्या, मेन बिल्डिंग डेटा पे। तो उससे पहले आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में मेन बिल्डिंग डेटा पे जाएंगे, ठीक है। हमारी बिल्डिंग की हाइट किस में ली है हमने, मीटर में, तो यहाँ से यूनिट सेट कर लो मीटर। बिल्डिंग हाइट हमारी कितनी थी, 15, और लेंथ हमारी थी 13, और विड्थ भी हमारी कितनी थी, 13। डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, बिल्डिंग नेचुरल डैम्पिंग रेशियो और बिल्डिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी? डैम्पिंग अच्छा चलो, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कॉमन फ्रीक्वेंसी जनरली यूज होता है। हाँ बिल्कुल होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता नहीं होता। अच्छा अच्छा, आपको पता है कि आपकी बिल्डिंग फ्लेक्सिबल होती है? हाँ। और जितना उसमें, हाँ जितना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है उसकी। जी। बाकी लोगों को पता है कि नहीं? तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशंस पे। लेकिन वो तो क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल तभी होते हैं जब नीचे हम लोग वो यूज करते हैं। क्या भूकंप का जो उसको क्या बोलते हैं, बेस में जो लगता है? एक मिनट, ठीक है, क्या लिखा है देखो, दिस अकर विद द जस्ट अबव द मॉडरेट विंड स्पीड इंक्रीज, इट इज कैन एक्साइट अ स्ट्रक्चर विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब आपकी बिल्डिंग में एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं कहेंगे, एक्साइटमेंट पॉइंट कहेंगे उसको, कि उसमें वाइब्रेशंस तभी पैदा होंगे जब उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाएगा। बात आई समझ? तो ये उसी के लिए यहाँ पे हमने कंसीडर करते हैं इसको। और एक होता है आपका डैम्पिंग रेशियो जो मैं आपको बताया था, तो डैम्पिंग रेशियो देखते हैं। The ratio between the two damping is shown in figure just after the completion of the building. The value of ratio is about 2 to 6. The tendency in the decrease is traced with the aging. The ratio tend to approach to 1. When it is become to some extent, again number. Similarly, tendency to be observed in other response level. First mode damping ratio is used as the 2% in the high-rise steel buildings and 3% in the reinforcement concrete building
इन द डिजाइन स्टेज सच एज अर्थक्वेक और अ विंड लोड. आगे विंड लोड आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बिल्डिंग की जो एज के अकॉर्डिंगली जो उसका ग्राफ गिरते आएगा उसकी स्ट्रेंथ का, तो वो डैम्पिंग रेशियो वो रिप्रेजेंट करता है आपका अकॉर्डिंग टू टाइम. और ये आपका परसेंट में होता है कि उसका एक तरह से वो कहें डिक्लाइन रेट कह सकते हैं सर. तो ये वो डिपेंड करता है बाकी कितना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली वो कितना डिक्लाइन में जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी. तो आप यहाँ पे इसको कितना 10 आपने 1% यूज किया है इसको यहाँ पे, तो जैसे उसमें कहा था कि हम इसको 2% ले लें, ले सकते हैं आप इसको अप्लाई करते हैं सर और ओके कर दें. तो आपके देखिए यहाँ पे विंड इंटेंसिटी आ गई और यहाँ पे आपकी हाइट आ गई, टोटल हाइट जा रही है देखो यहाँ तक 15 तक आ गई. तो आप इसको ऐड करा देते हैं, ऐड करा दिया और फैक्टर डाल देते हैं यहाँ पे कितना 1 और ऐड और क्लोज करते हैं इसको. अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है इसको असाइन कराना है. इसको सेलेक्ट कर लो और असाइन टू व्यू कर दो. ये देखिए हो गया. कोई डाउट किसी को? अभी तक हमारा क्या हुआ है, सिर्फ विंड लोड डिफाइन हुआ है, एक्ट नहीं हुआ है अभी बिल्डिंग पे. तो एक्ट कराने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, ये विंड वाला चूज करना पड़ेगा आपको और फिर से कहाँ जाना पड़ेगा एड में और यहाँ से क्या चूज करना पड़ेगा आपको विंड लोड. अब यहाँ पे आपको देखो कोई वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि कितनी वैल्यू लगानी है आपको? नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको कौन सी डायरेक्शन से लगाना है. तो देखिए आपके पास एक्स डायरेक्शन है माइनस एक्स है, जेड है तो माइनस जेड है. तो इसमें आप एक बार जेड से लगा देते हैं, एक बार एक्स से लगा दे. तो एक बार हमने यहाँ पे लगा दिया आपका 15 एक्स डायरेक्शन से और ये आपका 13 और ये आपका 13, राइट? ऐड करा देते हैं. तो देखिए आप इस पे क्लिक करो तो ये आपका एक्स डायरेक्शन से लग रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक्स से यूज कर लिया, इसी फोल्डर में क्या हम जेड से लगा सकते हैं क्या? नहीं, वो तो लग जाएगा, बस वहां पे जेड डायरेक्शन ही तो हमें चेंज करनी है. लेकिन पहले ये बताओ इस विंड केस में ही हम लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, उसके लिए हमें एक और अलग से विंड का लोड केस लेना पड़ेगा. क्यों पता है? नहीं, क्योंकि हमारा कभी भी दोनों डायरेक्शन से एक साथ इतनी विंड स्पीड से आएगा ही नहीं. एक डायरेक्शन वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आएगा. और अगर आपने इसी के अंदर लगा दिया तो वो दोनों डायरेक्शन को एक ही साथ कंबाइन कर रहा है आपको, विच इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए आपको उसका अलग फोल्डर लेना पड़ेगा. लगा दिए तो अब वो आपकी बिल्डिंग का लोड बढ़ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक साथ बिल्डिंग में एक्स से भी आ रहा है और जेड से भी आ रहा है, तो क्या होगा बताओ भाई? अगर आपका एक सामने से कोई एक दुश्मन चढ़ा आ रहा है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक आगे से आ रहा है एक पीछे से आ रहा है तो दोनों को कैसे हैंडल करोगे आप? बात वही तो है. तो आप यहाँ से जेड डायरेक्शन चूज करेंगे और यहाँ पे आप फैक्टर्स डाल देंगे और ये 12 और ये भी आपका 12 और ऐड करा देते हैं इसको. तो देखिए ये आपका जेड डायरेक्शन से आ गया. देखो अब इसमें आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लगाना है. अब ये तो आपके इंडिविजुअल लोड फैक्टर्स हो गए ना.
यस और नो? इंडिविजुअल हो गए और जो एनालिसिस भी आएगा तो वो इंडिविजुअली आपको करके दिखाएगा कि एक बार डेड लोड के लिए, एक बार लाइव के लिए, एक बार विंड के लिए और एक बार विंड जेट के लिए. लेकिन हमें तो तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. तो कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लोड केस डिटेल को चूज करेंगे और एड पे जाएंगे फिर से. अब देखो यहाँ पे हमें प्राइमरी लोड केस नहीं लेना है. अब हमें क्या लेना है यहाँ से, डिफाइन कॉम्बिनेशन. क्या लेंगे? डिफाइन कॉम्बिनेशन. और यहाँ पे आप करेंगे 1.5. ये क्या है आपका 1.5? ये आपका है सेफ्टी ऑफ फैक्टर. जो आपका कॉम्बिनेशन में ये, जैसे कि आपने फर्स्ट ये आना ही है, ये आना ही है, और इसने जेड को कंसीडर कर लिया पहले, एक्स को. तो एक बार में तो ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका. तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा लोड, उसको 1.5 टाइम्स कर देगा. इसको ऐड कर 1.5 ही लगेगा. नहीं, आप अपने ऊपर है, टू कर दो. आपके ऊपर है डियर वो. अगर आप उसको डबल करना चाहते हो तो डबल कर दो. अगर आपको 1.2 लेना है तो 1.2 कर दो. 1.4 लेना है तो 1.4 है. क्या चाहिए आपके? ये 1.5 डियर. ये सेफ्टी ऑफ फैक्टर है. सेफ्टी फैक्टर जिसे हम कहते हैं, मतलब जैसे कि अगर आपने कस्टमर ने आपको बताया कि भाई मेरी बिल्डिंग पे, समझ गया सर, सेफ्टी फैक्टर. ठीक है डियर, इसको ऐड करा लो. बन गया? अब इसको ऐड करा दो. तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 5 आ गया. अब आपका एक और कॉम्बिनेशन आएगा, कौन सा, जेड के लिए, लाइव डेड, और ये आपका जेड कॉम्बिनेशन, यही था. हाँ, तो एक बार हमने एक्स को कंसीडर कर लिया किसमें, लोड केस 5 में, और जेड को कंसीडर कर लिया किसमें, 6 में. तो आपको रिजल्ट अब दोनों के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे. कि अगर आपका एक्स से आता है तो सर आपका ये रिजल्ट रहेगा, और अगर आप जेड से लगाओगे तो आपका ये रिजल्ट रहेगा. राइट अब ये आपकी लोडिंग कंप्लीट हो गई इस बिल्डिंग के लिए. ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे क्या, एनालिसिस प्रिंट पे क्लिक करेंगे आप, और ऑल पे क्लिक करके ऐड करा देंगे. ये आपका कंपलसरी होता है ये स्टेप, इसमें परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट को ऐड कराना, वो आप यहां से कराओगे. इसका क्या फंक्शन होता है सर? सर आपका वो सारे लोड तभी कंसीडर किए जाएंगे तब आप इसमें ये ऐड करा दोगे. इसके बगैर आप एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे. ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका एनालिसिस करने का. तो एनालाइज देखिए ऊपर है आपका, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे और रन एनालिसिस कर देते हैं इसको. तो यहाँ पे देखिए हमारा जीरो एरर वार्निंग आई है और एक नोट भी आया हमें. अगर आपका एरर आता है इसका मतलब आपने वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, वो एनालिसिस बीच में ही आपका ब्रेक कर देगा. आप यहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते हो जब तक कि आप इसमें एरर को हटा नहीं देते हो आप. ठीक है, दूसरा आता है आपका वार्निंग. वार्निंग का मतलब होता है कि वो कंसिडरेबल तो है लेकिन वो आपको वार्निंग क्रिएट कर देगा कि भाई ये इसमें आपका ये यूज करने से आपको ये हानि हो सकती है. ये ऐसे कहते हैं ना, वार्निंग मिल गई आपको, एक वार्निंग आपको क्रिएट हो जाएगी और उसका रीजन भी देगा कि आपका ये वार्निंग किस वजह से है. ठीक है, अगर वो आपके लिए कुछ सजेस्ट करना चाहता है तो वो नोट में करेगा आपको. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे तीन ऑप्शन है. पहला क्या है, स्टे इन द मॉडलिंग मोड, यानी कि जो अभी आपका मॉडलिंग मोड था आप उसी में रहना चाहते हो. एनालिसिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आउटपुट रिपोर्ट नहीं दिखाएगा.
फिर आपका आता है गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, मतलब जो आपने एनालिसिस किया है उसके बाद का रिजल्ट क्या आएगा आपको दिखाएगा, मतलब वो विंडो खुल के आ जाएगी, ये इसमें देखो आपका पोस्ट प्रोसेसिंग मोड है ना मॉडलिंग के बराबर में, ये टैब खुल के आ जाएगा। आउटपुट फाइल का मतलब क्या है कि आपने जो एनालिसिस किया उसकी आउटपुट फाइल निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट फाइल चेक करते हैं, और ये आपका 113 पेज की आपकी आउटपुट फाइल है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, देखो लोड है, मतलब नोट है, नोट नोट आपको दे रहा है किसमें, विंड आपका फ्लो लोड में क्या, देखो वार्निंग है, देयर आर वन और मोर स्क्वायर पैनल फाउंड, दे आर वन वे लोड हैज नॉट बीन जनरेटेड, नो मोर लोडेड फॉर अ वन वे लोड जनरेशन। मतलब हमने इसमें दो नोड लगाए, वन वे वाले लगाए थे, 13 से 12 वाले दो लगाए थे, तो वो ये कह रहा है कि वो इसमें जनरेट नहीं हुए आपके, क्या नहीं हुए, जनरेट नहीं हुए हैं। उसका कारण क्या है कि उसमें हमने दोनों तरफ लिया था उसका कारण की वजह से, ठीक है। तो अगर हम यहां से उनको डिलीट कर देंगे तो यहां से ये आपके हट जाएगा, ठीक है। अब वार्निंग पे क्लिक करो तो देखो वार्निंग में आपकी 4 वार्निंग आ रही है, क्या आ रही है, पहली वार्निंग आ रही है देयर आर वन और मोर स्क्वायर, अच्छा उसी से रिलेटेड है, तो अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं अभी, और पहले उसी को डिलीट करते हैं, यहां से लोडिंग में जाते हैं, और ये आपका एक तो डेड में था ये, ओके यहां से इसको डिलीट कर दो, और एक लाइव में था आपका, और इसको भी यहां से डिलीट कर दो, ठीक है। अब फिर से एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। अब देखिए आपकी 0 एरर 0 वार्निंग, ठीक है सर, और इसको फिर से आउटपुट फाइल में चेक करते हैं। अब देखो रिजल्ट पे क्लिक करो सीधे, रिजल्ट पे आपका देखो सबसे पहले आपको ये क्या दिखा रहा है पता है, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपने ये कब बनाया था, फाइल कब की है, 25 जुलाई की है आपकी, और इसमें जॉइंट कोऑर्डिनेट देखो 8 नंबर रो में क्या है आपका 1 और 0 0 क्या है आपका कोऑर्डिनेट, ये नोड नंबर है और ये इसका कोऑर्डिनेट है, ये 2 नोड है ये इसका कोऑर्डिनेट है, ये 3 नोड है इसका कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे ही आपको नोड और उसके कोऑर्डिनेट बताए जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितने, 150, ठीक है। अब यहाँ से देखो मेंबर इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपका बीम नंबर 1 किस कौन सी नोड को मिला के बनाए, 6 और 7, नोड नंबर बीम नंबर 2 किस को मिला के बनाए, 7 और 8। तो इस तरह से आपके ये बीम नंबर्स क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे कितने बीम नंबर्स हैं आपके, देखो 325 बीम नंबर है जो कि आपका 120 और 150 वाली नोड को मिला के बनाए, ठीक है। ये आपका अभी तक क्या चल रहा है, इनपुट जो आपने दिया है इसमें, फिर आपने इसमें प्रॉपर्टी लगाई मटेरियल की, ये आपकी मटेरियल की क्या है प्रॉपर्टी, कि जैसे आपका पॉइजन रेशियो क्या है, डेंसिटी क्या है, अल्फा क्या है, डैम्पिंग रेशियो, टाइप ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है आपकी। अब वो कौन से आपके उस पर लगी हुई है, जैसे कि आपका ये वाली 0.3 लगी है जो कि 31 से 45, 76 से 90, 121 से 135, ये बीम नंबर की रेंज है आपकी, इन पे लगी हुई है। दूसरे नंबर पे आपका आपकी ये लगी हुई है 0.3 और 0.23 वाली, फिर आपने एक और लगाई है 0.23 और 0.23 वाली, फिर आपकी लास्ट में एक और थी 0.4 और 0.4 वाली। तो ये आपको कौन से मेंबर्स पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपको सपोर्ट दिखा रहा है, फिर आपका विंड दिखा रहा है, विंड लोड आपने डिफाइन किया, ठीक है। अब इसमें और नीचे जाओ, यहां से आपकी यहां तक तो आपका क्या था,
जो आपने इसमें इनपुट किया है परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट तक, ये देखो कॉम्बिनेशन लोड वगैरह सब कुछ आपका यहाँ डिफाइन है। अब यहाँ पे देखो मेंबर जॉइंट कितने आपके 150, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आपके 325, नंबर ऑफ सपोर्ट्स कितने आपके 25। तो आपका सबसे पहले क्या था, टाइप ऑफ लोड, डेड लोड, सेल्फ वेट। तो ये आपका क्या आ गया, एक्चुअल वेट ऑफ योर स्ट्रक्चर। कितना आ रहा है, 19,051.394 किलोन्यूटन किलोन्यूटन में। ये आपने फिर आपने यूडीएल लगाया था, वो फ्लो लोड लगाया था यूनिट किलोमीटर पर मीटर में, मतलब आपका जो ट्रायंगल शेप में था। यूडीएल नहीं सर, फ्लो लोड। फ्लो लोड, हाँ फ्लो लोड में ट्रायंगुलर शेप में आया जी। ठीक ठीक, तभी तो आपका ये इंक्रीजिंग में आ रहा है। देखो, देखो कि आपका, देखो ये आपका मेंबर नंबर वन है और यहाँ तक आ रहा है। इसमें देखो आपका 0.1 लग रहा है आपका 0.17 में, तो इंक्रीजिंग हो रहा है आपका। देखो लोड यहाँ पे ये ऐसा कंसंट्रेटेड लोड आपको दिखा रहा है वैल्यूज। तो देखिए ये आपका मिड पॉइंट पे आ गया यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रेजुअली आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है पूरा आपका यहाँ तक, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही आपको हर एक मेंबर का दिखाएगा वो। तो ये हर एक मेंबर के लिए आपको दिखाएगा। तो ये तो आपकी लोड वैल्यूज दिखाएगा आपको, ठीक है। अब वापस करते हैं इसको क्लोज करके, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आपकी समझने वाली वैल्यूज आपको यहाँ दिखाई देंगी। क्लोज करो, आप डायरेक्टली वहां से भी जा सकते हैं एनालिसिस में से जा करके, और डायरेक्टली भी आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। अब आपको रेस्पॉन्स किस में देखना है, नोड में देखना है। तो आपके देखिए ये नोड है, नोड पे क्लिक करो। तो जितने भी आपकी नोड डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी ना, आपकी नोड कितनी थी, 150। तो ये आपकी 150 नोड यहाँ पे दिखाएगा इस टेबल में, ऊपर वाली में देखो। और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज है कि एक्स में कितनी डिस्प्लेस होगी, वाई में कितनी होगी और जेड में कितनी होगी, और उसका रिजल्टेंट कितना है। ये आपका रोटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली कितना रोटेट होगा, ठीक है। तो ये हर एक नोड का आप चेक करना चाहो तो यहां से कर सकते हो। और अगर आपको समरी चेक करनी है, समरी में क्या है कि आपको टॉप 10 नोड्स ऐसी दिखाएगा जिनमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो हम लोग उन्हीं को कंसीडर कर लेते हैं जो मैक्सिमम है, क्योंकि अगर वो आपकी सेटिस्फाई होगी इसका मतलब बाकी सब तो हो ही जानी है। देखिए आपको नोड नंबर 56 है, इसमें आपका 5.048 mm आ रहा है रिजल्टेंट में मैक्सिमम। फिर आपका नोड नंबर 30 है, 24 है, 57 है, 26, 146, 27, 117, 19, 29, 116 और 59, 56 और 57 इतना आ रहा है। इवन वो आपको माइनस और पॉजिटिव भी दिखाएगा कि वो माइनस एक्स में जा रहा है कि माइनस वाई में या पॉजिटिव जेड में, ठीक है। और वो अलग अलग कॉम्बिनेशन लोड के अकॉर्डिंग भी दिखाएगा। ये देखो आपका कौन से लोड के अकॉर्डिंग जा रहा है, कॉम्बिनेशन 5 के अकॉर्डिंग। और ये 30 में किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, कॉम्बिनेशन 6 के अकॉर्डिंग। और ये 24 ओनली विंड लोड के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है आपका, ज्यादा जा रहा है एक्स वाला। तो आपके लोड भी यहाँ पे दिखा रहा है और आपका नोड भी दिखा रहा है, सबके उसके रिजल्ट भी दिखा रहा है, ठीक है। अब आता है बीम। बीम में आप क्या चेक करते हो, इसमें अभी आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा पहले नंबर पे, तो ये आपको पहली वाली टेबल जो है वो आपको दिखा रही है कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर। जैसे कि आपके बीम नंबर वन है, तो बीम नंबर वन में आपने डेड लोड के अकॉर्डिंग देखिए इतनी फोर्स आ रही है उसके ऊपर और मोमेंट इतना आ रहा है, ठीक है। फिर आपका लाइव के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, विंड के एक्स के अकॉर्डिंग और विंड जेड के अकॉर्डिंग, और ये कॉम्बिनेशन 5 और कॉम्बिनेशन 6 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हर एक लोड के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फोर्सेस दिखाएगा, पर्टिकुलरली बीम पे।
ठीक है। अब आप देखना चाहते हो बेंडिंग मोमेंट, तो आप नीचे वाली टेबल पे क्लिक करो, ये आपका बेंडिंग मोमेंट शो कर रहा है। कि आपका पॉजिटिव में नेगेटिव में जा रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव में जा रहा है, डेड लोड के अकॉर्डिंग। इसमें भी वो हर एक लोड के अकॉर्डिंग दिखाएगा आपको, तो आपको कंसीडर कौन सा करना है, कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, शेयर फोर्स देखनी है तो उसके अगला वाला शेयर फोर्स है आपका। अगर आपको इसका डायग्राम देखना है तो किसी भी क्लिक करो बीम पे और शेयर पे जाओ। तो देखिए अभी ये आपका क्या दिखा रहा है, कौन सा डायग्राम है, ये बेंडिंग डायग्राम है। वैल्यूज देख लो इसकी, 7.53 आ रही है, यहाँ पे 7.2 आ रही है। किसके अकॉर्डिंग आ रही है, आपके डेड लोड के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप लाइव लोड चूज करोगे तो ये किसके अकॉर्डिंग आ गई आपकी, लाइव के अकॉर्डिंग। ये आपके विंड के अकॉर्डिंग, ये आपके जेड के अकॉर्डिंग। और कॉम्बिनेशन चूज करो तो देखो ये आपके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आ रही है, 15.44 और 26.19। और अगर शेयर फोर्स चेक करनी है तो शेयर नीचे आपका शेयर का ऑप्शन है, तो ये आपकी शेयर फोर्स आ गई। इंडिविजुअली हर एक लोड के लिए आप चेक कर सकते हो इसमें। आगे बात समझ, और क्लोज कर दो उसको। हर एक उसका आप चेक कर सकते हो, वैसे हर एक बीम पे हाँ डबल क्लिक करके आप इसका डायग्राम चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो एनिमेशन, इसमें आपको विंड लोड लगाया तो डिफ्लेक्शन दिखेगा बिल्डिंग में। तो ये तो आपका विंड एक्स है, तो देखो आपका इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे की तरफ, दिख रहा है आपको। और अगर आप इसमें कॉम्बिनेशन चूज करो तो देखो इंक्रीज हुआ कुछ आपका, देखो यहाँ पे भी इस वाले मेंबर में भी आपका डिफ्लेक्शन आने लगा, दिख रहा है ना जी। अब दूसरा वाला सिक्स लो, तो देखो ये वाला बंद हो गया आपका, और देखो ऊपर यहाँ पे आने लगा आपका रिफ्लेक्शन, और आपका यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो, ये एनिमेशन दिखाएगा आपको। रिपोर्ट पढ़ना आएगा डियर सबको?